अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज के वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि आज के वीडियो अगेन एक शॉपिंग हॉल वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी निशात की शॉपिंग शेयर की है जो मैंने इनकी अनस्टिच कलेक्शन से की थी। अच्छा, ये दोनों टू पीस है, मैं दोनों आपके साथ शेयर करती हूँ। एक एम्ब्रॉयडर्ड है, एक प्रिंटेड है। सबसे पहले ये मैजेंटा वाला देख लेते हैं क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था। ये एम्ब्रॉयडर्ड टू पीस है तो मैं इसको कंप्लीट ओपन कर लेती हूँ, फिर सारा आपको उसकी शर्ट और एम्ब्रॉयडरी वगैरह दिखाऊंगी और प्राइस डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये ऐसे पहले आप लोग इसकी पिक्चर देख लें। ये शर्ट और ट्राउज़र वाला टू पीस है और एम्ब्रॉयडर्ड है। तो ये है इसकी शर्ट, इसको कंप्लीट ओपन कर लेते हैं क्योंकि स्लीव्स का प्रिंट थोड़ा सेपरेट है, शर्ट और की फ्रंट और बैक थोड़ी सेपरेट है, इसलिए मैंने सोचा कंप्लीट ओपन करके आपको दिखाती हूँ ताकि अगर आप सेम इस तरह का लेना चाह रहे हैं तो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं कि ये सूट कैसा है, प्रिंट कैसा है, कलर वगैरह कैसा है। अच्छा, मुझे तो ना सर्दियों में इस तरह के ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मेरून मेरा फेवरेट है। ये मैजेंटा कलर भी बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में। सर्दियों में इस तरह के ब्राइट वाइब्रेंट से कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगता है, मस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है, इस तरह के रेड मैजेंटा बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये शर्ट को सारा मैंने ओपन कर लिया है। ये शर्ट की फ्रंट और बैक है, फ्रंट और बैक का प्रिंट सेम है, बॉर्डर वगैरह नहीं है, सेम प्रिंट है इसका। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रिंट था और फैब्रिक आपको पता है निशात का वैसे ही बहुत अच्छा होता है। मेरी अम्मी का तो निशात फेवरेट है, उनको कहीं पे भी कपड़े पसंद नहीं आएंगे लेकिन निशात के कपड़े उनको पसंद आ जाएंगे। तो वाकई निशात के कपड़े होते बहुत अच्छे हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। तो ये सूट की फ्रंट और बैक सेम है, ये आप लोग साथ साथ इसकी डिस्प्ले पिक्चर भी देखते जाएं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके स्लीव्स। स्लीव्स का प्रिंट थोड़ा सेपरेट है लेकिन स्लीव्स का भी अच्छा खासा कपड़ा है। तो अगर पैनल वाली शर्ट या लॉन्ग फ्रॉक बनवाना चाहें तो वो भी बन सकता है। ये स्लीव्स का फैब्रिक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक है। इसकी पैनल वाली शर्ट भी ईजिली बन सकती है। इसके अलावा जो फ्रॉक होता है जिसकी बॉडी थोड़ी सेपरेट होती है, चुनट वाला फ्रॉक, वो भी इसका बन सकता है क्योंकि कपड़ा इसका अच्छा खासा है। अच्छा, वैसे शर्ट का जो टोटल फैब्रिक है वो 2 मीटर है, ठीक है, लेकिन इसका अर्ज बहुत बड़ा है इसलिए इसमें आराम से आप कोई भी डिज़ाइन बनवा सकते हैं, ठीक है। जब मैंने वैसे इसकी डिटेल्स पढ़ी थी ना फैब्रिक देखे बगैर कि इसकी 2 मीटर की शर्ट है, तो मैं थोड़ा घबरा गई कि पता नहीं मेरी शर्ट इसमें बनेगी या नहीं। लेकिन जब मैंने घर आके इसको ओपन करके देखा तो ये आराम से अच्छा खासा कपड़ा था, फ्रॉक भी लॉन्ग लेंथ वाला बन सकता है, तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई। बाकी ये शर्ट थी। अच्छा, साथ इसके एम्ब्रॉयडरी के 2 पैचेस हैं। शर्ट की फ्रंट बैक और स्लीव्स तो आप लोगों ने देख लिए हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि एम्ब्रॉयडरी के पैचेस कहाँ कहाँ लगेंगे। एक दामन के लिए है और एक जो है वो स्लीव्स और नेकलाइन के लिए। मैं खोलती हूँ फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ लगेंगे। अच्छा, ये टू पीस एम्ब्रॉयडर्ड भी है और इसकी प्राइस भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, वरना आपको पता है निशात के ड्रेसेस आजकल बहुत महंगे महंगे आ रहे हैं, लेकिन इसकी प्राइस बहुत अफोर्डेबल थी। जब आप सुनेंगे तो आपका भी दिल करेगा कि ये वाकई ख़रीद लें, क्योंकि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, स्टिल आउटलेट पर भी अवेलेबल है, तो आप दोनों जगह से इसे ख़रीद सकते हैं। बाकी ये इसके साथ सेपरेट से एम्ब्रॉयडरी के पैचेस हैं। डिस्प्ले पिक्चर में उन्होंने स्लीव्स पे लगाए हुए हैं लेकिन ये ज़्यादा काफ़ी है, मतलब एम्ब्रॉयडरी, तो मैं ये दामन पे लगवाऊंगी। दामन के फ्रंट पे भी आराम से लग जाएगा और बैक पे भी, जैसे इसमें तो उन्होंने स्लीव्स पे लगवाए हुए हैं। लेकिन सर्दियों में आपको पता है स्लीव्स के ऊपर स्वेटर ही आ जाना होता है तो वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा है कि जो बॉर्डर है वो मैं दामन पर लगवाऊँगी और स्लीव्स के लिए सेपरेट से है छोटा सा बॉर्डर, तो वो मैं स्लीव्स पर और नेकलाइन पर लगवाऊँगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये जो बॉर्डर है ये भी अच्छा खासा है, ये नेकलाइन पे भी लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और ये स्लीव्स पे भी लग जाएगा। तो ये मैं नेकलाइन और स्लीव्स पे लग पाऊँगी और जो नीचे ज़्यादा बड़ा वाला बॉर्डर है ना, चौड़ा वाला, उसको मैं दामन पे लग पाऊँगी, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर है ये वाला भी, इसके साथ सेंटर में बटन ज़्यादा लगवाएंगे ना तो बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। अच्छा, बाकी ये शर्ट आप लोगों ने देख ली है, आप लोग इसकी डिस्प्ले पिक्चर भी देख लें, मैं आपको इसका ट्राउज़र भी दिखाती हूँ और फिर एंड पे इसका कोड वगैरह भी दिखाऊंगी और प्राइस डिटेल्स भी शेयर करती हूँ। ये इस तरह की शर्ट बनी हुई थी। बाकी ये आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ, उसके साथ प्लेन खद्दर का ही ट्राउज़र है लेकिन फैब्रिक दोनों का ही बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो है ये इतनी लाइट खद्दर नहीं है, मतलब एक खद्दर होती है ना जो बहुत पतली होती है या इतनी सर्दी में नहीं पहनी जाती, लेकिन ये अच्छी खासी मोटी खद्दर है, या आप ज़्यादा सर्दी में भी पहन सकते हैं। बाकी ये इसके साथ ट्राउज़र है, ट्राउज़र का भी फैब्रिक बहुत अच्छा था। तारीफ़ करने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है निशात के फैब्रिक वैसे ही अच्छा होता है, ठीक है। बाकी अब मैं आपको उसकी प्राइस डिटेल्स बताती हूँ, फिर हम नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं।
अच्छा पहले आप शर्ट की और सूट की डिटेल्स देख लें, ठीक है। ये जो शर्ट है, अच्छा मुझे लग रहा था 2 मीटर की, ये 2 मीटर की नहीं, 2.25 मीटर की शर्ट है, 2.25 मीटर की शर्ट है। 2 मीटर का ट्राउज़र है, ट्राउज़र का भी अगेन काफ़ी ज़्यादा अर्ज है, तो उसमें भी आराम से आपका ट्राउज़र बन जाएगा। और 2 एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स हैं, ठीक है। एक जो चौड़े वाला आपको दिखाया था और एक थोड़ा सा बारीक वाला है, एक वो वाला है। बाकी आप इसका ऊपर से कोड भी देख लें, 4006-06234 इसका कोड है, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक करूँगी, अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं लिंक पे आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी अब देख लें आप लोग इसकी प्राइस, तो इसकी जो प्राइस है 3890 है, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, क्योंकि निशात के एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस बहुत बहुत महंगे होते हैं। जो अब वूल शॉल वाले ड्रेसेस आए ना इस तरह के, मतलब 2 पीस इसी तरह के, सिर्फ उनके साथ वूल शॉल्स हैं, वो 16-16 हज़ार के, 12-12 हज़ार के हैं, वो तो बहुत महंगे हैं। तो इसलिए मैंने ये सूट ले लिया था कि इसके साथ आप चाहें तो वूल की शॉल भी ले सकते हैं, वाइट ऑफ वाइट कलर की। और अगर आपको शॉल नहीं भी पसंद तो आप सिंपल शिफॉन का दुपट्टा भी लेके डाई करवा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी एक ये सूट था, जो इसका शॉपिंग हॉल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हुआ है, लेकिन आज मैं ये दोनों सूट टेलर को देने लगी थी तो मैंने सोचा इसका भी साथ बना लेती हूँ, ठीक है। ये एक सूट था, ये फ्रीडम टू बाय कलेक्शन से मैंने लिया था, ठीक है। अच्छा तो आपको पता है फ्रीडम टू बाय कलेक्शन में आपके पास चॉइस होती है, आप जितना मर्जी फैब्रिक ले सकते हैं। वैसे तो वो फ्रीडम टू बाय की 3 मीटर की शर्ट देते हैं, लेकिन मैंने 2.5 मीटर की शर्ट ली थी, क्योंकि मैंने कहा 2.5 मीटर में आराम से बन जाएगी, तो मैं क्यों 3 मीटर का फैब्रिक भी लूँ, वो ज़ाया भी होगा और उसमें पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। जो 3 मीटर की शर्ट थी वो 1800 की थी, और जो 2.5 मीटर की शर्ट है वो मुझे 1500 में मिली है, तो फिर इसलिए मैंने 2.5 मीटर की शर्ट ले ली थी। ये जो शर्ट है ये 560 पर मीटर के हिसाब से आपको मिलेगी, यानी 560 रुपये पर मीटर के हिसाब से आपको शर्ट मिलेगी। और जो ट्राउज़र का फैब्रिक है वो भी आपको 560 पर मीटर के हिसाब से मिलेगा, तो ट्राउज़र भी मुझे अराउंड 1500 ही पड़ा है और शर्ट भी 1500 की ही पड़ी है। अच्छा जब ये सूट मैं ले आई ना, फिर मुझे घर आके ख्याल आया कि ये मैं मैचिंग सेपरेट्स भी बना सकती थी, यानी शर्ट और जो ट्राउज़र का प्रिंट होता है वो सेम ही ले लेती तो मेरा बहुत अच्छा सूट तैयार हो जाता। फिर मैं जब दोबारा निशात पे गई कि शायद चेंज हो जाए, तो ये सूट था ही नहीं, ये ख़त्म हो गया था। लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं अगर आपने ख़रीदना है तो, लेकिन आउटलेट पर अब क्योंकि नहीं था तो फिर मैं चेंज नहीं करवा सकती थी, इसलिए मैं प्लेन ट्राउज़र ही इसके साथ स्टिच कराऊँगी। लेकिन अगर आप लें तो आप इसके साथ प्रिंटेड ट्राउज़र भी ले सकते हैं, प्रिंटेड ट्राउज़र भी आपको उतने का ही मिलेगा, और इसके अलावा प्लेन ट्राउज़र भी आपको उतने का मिलेगा, लेकिन प्रिंटेड ट्राउज़र्स का आपको पता है आजकल ज़रा फैशन है, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये सूट पसंद है तो आप इसके साथ प्रिंटेड ट्राउज़र लीजिएगा, क्योंकि प्राइस दोनों की सेम है, सिर्फ ये है कि प्रिंटेड ट्राउज़र ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी ये था आज का शॉपिंग हॉल, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग कहाँ की देखना चाहते हैं ये भी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।